और राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कार से सम्मानित उत्तराखंड की बेटी पायल चौहान का बेहट पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। पायल चौहान का समाज सेवी के तौर पर उत्तराखंड से एकमात्र चयन हुआ था। इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों से 32 युवाओं को चयनित किया गया था, जिन्हें राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पायल चौहान समाज सेवा के साथ ही ट्रैकिंग, उसके साथ ही रक्तदान, स्वच्छता अभियान, नारी सशक्तिकरण, योग शिविर आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आई हैं। और इस मौके पर पायल चौहान ने कहा है कि लड़कियों को किसी भी काम में पीछा नहीं रहना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने जो है लड़कियों से भी आगे अपील की है कि वो बढ़ चढ़कर इन चीजों में भागीदारी अपना दिखाएं। गैर परों से उड़ सकते हो, हद से हद दीवारों तक, अंबर तक तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। जी हाँ बिल्कुल, अगर इंसान के अंदर हौसला हो तो कुछ भी कर गुजरता है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी बेटी की जो उत्तराखंड से बिलोंग करती है और नारी सशक्तिकरण, रक्तदान और स्वच्छता अभियान में अपना अहम रोल निभा रही है। बिहार में आयोजित एक कार्यक्रम में उत्तराखंड की इस बेटी को सम्मान दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड की वो बेटी पायल। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनके बारे में। जी आपका नाम? सर पायल चौहान। आप किस तरह के सामाजिक कार्य करते हैं? सर मैं स्वच्छता अभियान और बच्चों को फिजिकल ट्रेनिंग देना और उसके अलावा भी रक्तदान वगैरह, मतलब ऑल सोशल वर्क करती हूँ सर। आपको कैसा महसूस होता है सोशल वर्क? सर सोशल वर्क करके मुझे लगता है कि मुझे कुछ और नहीं करना है। मेरा आर्मी में जाने का एम था सर, मैंने वो भी छोड़ दिया है सिर्फ सोशल वर्क के लिए, क्योंकि मुझे वही करना है। बिहार में कार्यक्रम हुआ है, आपको उत्तराखंड की एकमात्र बेटी है आप जिनको बिहार में सम्मान दिया गया, आपको कैसा महसूस हो रहा है? सर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। प्रेम दूत अवार्ड नाम सुना सुना था, अब जब वहाँ पे जाके उत्तराखंड का नाम आया और स्पेशली मेरा नाम आया तो मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ। अब लड़कियों को, महिलाओं को क्या एक मैसेज देना चाहिए? सर मैं लड़कियों को, महिलाओं को एक मैसेज देना चाहती हूँ। उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि तुम घर में रहो, कुछ ना करो, अकेले कहीं बाहर नहीं आ जा सकती, लेकिन मुझे लगता है कि हम लड़कियाँ कुछ भी कर सकती हैं लाइफ में। बिल्कुल, पायल का कहना है कि लड़कियाँ किसी से कम नहीं होती और बिहार में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें एक उत्तराखंड की एकमात्र बेटी होने के जो है एक पुरस्कार मिला है। उनका कहना है कि लड़कियों को अपने आप को किसी से भी कम नहीं समझना चाहिए और अपना हौसला बुलंद कर समाज में अपनी भागीदारी निभाना चाहिए। परवेज आलम, नेटवर्क 10, बेहट, सहारनपुर।